बिस्म रहीम अल्लाम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे। अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो सॉरी सबसे पहले तो कि मैंने आप सब को कहा था कि मैं बहुत जल्द जो है वो हेयर एनर्जी के लोशन और जो फूड कैंडी है उसके रिव्यू सबके साथ शेयर करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको खुद ट्राई नहीं कर पाई थी फॉर सर्टन रीजन्स। तो मैंने आपके साथ इसका जो है वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। वैसे तो ये बहुत पॉपुलर है, आप सब ने इसके बारे में बहुत, इसको किसी भी किस्म की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कोई मेरे पास स्पॉन्सर्स है। मैंने पर्सनली खुद जो है इसको परचेज़ करके आप सबके साथ इसका रिजल्ट जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैंने आपके साथ पहले बताया था कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक डीएम आया था, किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा कि फाइन आउट इनकी प्रोडक्ट्स। मैंने भी बहुत सुनी थी कि बहुत अच्छी हैं, तो मैंने जो है वो ऐसे लिया। और जैसे कि अगर मैं सबसे पहले आपको हेयर एनर्जी के लोशन के बारे में जो है वो बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ है 3D वाइटनिंग, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इनसे भी पूछें जब ये आप इनके पेज पे जाएंगे, इनसे वो भी चीज़ को ऑर्डर करेंगे, तो वो यही आपको कहेंगे कि इसका रिजल्ट जो है बिकॉज ये ऑर्गेनिक है और 3 to 4 weeks में इसका रिजल्ट जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बट अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें इसका एक्सपीरियंस, तो वैसे नो डाउट बहुत अच्छी जो है वो इसकी लोशन है। बहुत ही जो है इसमें आपकी जो स्किन है वो बहुत ही बेबी स्किन हो जाती है। वाइटनिंग का अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वाइटनिंग के लिए, बट एक लोशन के लिए बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग लोशन है। इससे आपकी स्किन जो है इसके चाहे वो आपके हैंड हो, चाहे वो आपके फिट हो, चाहे वो आपका फेस हो, क्योंकि बिकॉज ये बॉडी लोशन है तो ये बहुत ही बेहतरीन लोशन है। हाइड्रेट रखती है, बहुत ही सॉफ्ट रखती है, तो इस चीज़ में मैं इसको 10 out of 10 marks दूँगी। मतलब नो डाउट ये बेहतरीन है, बट एज अ वाइटनिंग, तो वाइटनिंग के लिए तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा लोशन इसको यूज़ किया, बट मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 month+ हो गए हैं, बट एज अ वाइटनिंग तो मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, स्किन जो मेन ब्यूटी होती है वो होती है स्किन की सॉफ्टनेस, उसकी पोर्स वगैरह, तो उन सब के लिहाज से मैं इसको परफेक्ट कहूँगी कि जैसे लोशन होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही लोशन है। अब हम आ जाते हैं हेयर एनर्जी के फूड कैंडी की तरफ। तो हेयर एनर्जी के फूड कैंडी जो है उसमें जो है ये क्लेम करते हैं कि ये जो है मॉइस्चराइज करता है, रफ ड्राइनेस को ख़त्म करता है और आपकी जो है स्किन के टोन को भी जो है वो इन्हांस करता है। तो जी, इस बारे में मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि वाकई जो फुट और हैंड्स की एक ड्राइनेस होती है, एक रफनेस होती है, ये इसको बिल्कुल जो है वो रिमूव कर देता है, मतलब इसको ख़त्म कर देता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इस लिहाज से कि किसी भी किस्म से, मतलब अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके हैंड ऑफ बहुत ही जो है वो बेबी सॉफ्ट टाइप के हो जाएंगे, तो इस लिहाज से मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बट अंतर पर मैं वही बात करूँगी कि फेयरनेस अगर आपके माइंड में है कि आप इसको लगा के फेयर हो जाएंगे, या आपके हैंड ऑफ जो है वो वाइट हो जाएंगे, या आपका फेस जो आप लोशन लगा रहे हैं उससे आपका रंग साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्किन केयर रूटीन में आप इसको शामिल कर सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं वहाँ से आके आप इसको लगाते हैं तो आपको सन टैन वगैरह के इशू नहीं होगा और आपके जो ड्राइनेस की वजह से स्किन डल हो जाती है हैंड और फिट की, तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर से पता है जब आपके स्किन सॉफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा ग्लो करने लगेगा। तो यानी कि ग्लोइंग के लिए बेस्ट है, इसे लगाने से ग्लो आता है डेफिनेटली, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। हाँ, हो सकता है स्क्रबर के साथ, जो फुट स्क्रब होती है स्क्रब के साथ अगर हम यूज़ करें तो फिर मे बी पॉसिबल इसका रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि मैंने स्क्रब नहीं मंगवाया। सो इस सेंस में मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि उसके साथ उसका रिजल्ट कैसा होगा, बट ये एनर्जी की प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं। बट जो प्रीवियस मैंने आपसे अपने शूज शेयर किए, तो वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ कि इनकी बैग मेरी जो फूड कैंडी है वो ओपन आई थी। मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर की थी, बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे ये एक चीज़ बहुत रूडनेस लगी और मुझे ये चीज़ पर्सनली पसंद नहीं आई कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसको अप्रिशिएट एटलीस्ट करना चाहिए। वेल,
मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। अगर वैसे तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर जो नहीं कर रहा, जो सोच में ही, तो वो उसको बिल्कुल ले सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उस पर भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिव्यू दूंगी। सो जब तक के लिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अब तो बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।